अगर आप भुवनेश्वर में अपने लिए रेडी टू मूव या रेंट पे घर देख रहे हैं, पटिया को प्रेफर कर रहे हैं एज ए लोकेशन, तो आइए बात करते हैं 10 अच्छी प्रेजिडेंशियल सोसाइटीज जो कि अवेलेबल है पटिया लोकेशन में। द फर्स्ट कम Z1 अपार्टमेंट्स, इट इज अ गेटेड कम्युनिटी, बहुत ही प्रेफर्ड है और सारी अमेनिटीज के साथ आती है। सेकेंड इज रॉयल लगून, इट इज ऑल्सो डिलीवर्ड सोसाइटी एंड न्यांगी कम्युनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, इट इज वन ऑफ द प्रेफर्ड रेजिडेंशियल सोसाइटी। थर्ड इज द मणि तिरुमला। सो एज आई मेंशन, रघुनाथपुर के एरिया में पहले दो और ये तीसरी भी अवेलेबल है एंड आप यहाँ पे ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकते हैं। द फोर्थ वन इज नॉर्दर्न हाइट्स, ये नंदन विहार में है एंड इट इज अ गुड सोसाइटी। द फिफ्थ कम्स आर्कन रिट्रीट, अच्छी सोसाइटी है। क्लब सिक्स इज क्लब टाउन। सेवन्थ में अगर हम बात करें तो हम बात करेंगे इन्फोसिटी ग्रीन्स की, ऑलरेडी लोग रहते हैं, इन्फोसिटी के पास है, सो आईटी हब में जो लोग रहते हैं वो इसे प्रेफर कर सकते हैं। अगर हम आगे बात करें, एट फाइकन रेजिडेंसी किट में लोकेटेड है, अच्छी रेजिडेंशियल सोसाइटी है। एंड नाइन्थ, नौवे नंबर पे आता है नॉर्थ व्यू अपार्टमेंट पटिया में, ये बहुत अच्छा अपार्टमेंट है, सारे सिक्योरिटी के साथ आता है, आप इसे भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। And last but not the least, in the midst of greenery, Tamarind Terraces. So that is one of the best societies and best location to be. Thank you.